34 वर्जन है क्या? मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगा कि 200 पॉइंट रोस्टर क्या है और 34 रोस्टर क्या है। पहले 200 पॉइंट जो रोस्टर था उसमें रिजर्वेशन का जो प्रारूप है हमारा 27% ओबीसी को और जो 22.5% है वो एससीएसटी को। जो स्टेटमेंट है जो कोर्ट का एक केस है उसमें बोला है कि 49.5% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं ले सकते। तो 200 पॉइंट जो था वो एक यूनिट माना गया था, यूनिवर्सिटी को यूनिट माना गया था। उसमें 200 लोगों में अगर आपका भर्ती होती है, अपॉइंटमेंट होता है, तो 99 लोगों को आपको रिजर्वेशन से भरना पड़ेगा और एक से एक लोग जनरल होंगे। मगर इन्होंने कहा क्या 34 रोस्टर क्या है? 34 रोस्टर उन्होंने यूनिवर्सिटी को खत्म करके डिपार्टमेंट में लिया कि डिपार्टमेंट के द्वारा आप यूनिट माना जाएगा डिपार्टमेंट को। और जो 34 रोस्टर है पहली तीन सीट वो अनरिजर्व होगी और चौथी जो सीट होगी वो ओबीसी को होगी, सातवीं जो होगी वो एससी को होगी और चौदहवीं जो सीट होगी वो एसटी को होगी। इसका मतलब कि जो डिपार्टमेंट में वहां तो 3-4 लोग होते हैं डिपार्टमेंट में, कोई कोई डिपार्टमेंट रहता है जिसमें ज्यादा लोग होते हैं, तो कैसे लोगों को हम रिजर्वेशन मिल पाएगा? कि जो लोग प्रोफेसर बन रहे थे और प्रोफेसर बन के लोगों को तैयार कर रहे थे एजुकेशन के माध्यम से, उसको खत्म किया जा रहा है। ये इनकी रणनीति है, इसको समझना डिटेल में। आप डिटेल में समझना इसका मतलब कि आपके एजुकेशन के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। अब एजुकेशन के दरवाजे क्यों बंद किए जा रहे हैं ये सोचना होगा। एजुकेशन दुनिया की सबसे ताकतवर चीज, एजुकेशन से बड़ी दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। एजुकेशन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा एजुकेशन की बात की, बुद्ध ने भी एजुकेशन की बात की है, नेल्सन मंडेला ने भी एजुकेशन की बात की है, जितने भी महापुरुष हुए हैं ज्योतिबा फुले पहलवान सब ने एजुकेशन की बात करी है। एजुकेशन आखिर है क्या? एजुकेशन तो यही है कि डिग्री ले लो, मैंने एलएलएम कर लिया, उन्होंने एलएलएम कर लिया, पत्रकार बन गए, वकील बन गए, जज बन गए, एजुकेटर हो गए। एजुकेशन के साथ साथ में हमें सोशल जस्टिस भी करनी है। हम अगर समाज के बारे में सोचते हैं तो जब ये एजुकेशन का फायदा है, हम समाज के विषय में नहीं सोचते तो एजुकेशन का फायदा नहीं। अगर बाबा साहब गौतम अंबेडकर समाज के विषय में नहीं सोचते क्या वो संविधान बना पाते? बताइए, अगर संविधान नहीं बना पाते तो क्या इस देश के अंदर आईएएस के डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील हो पाते? नहीं हो पाते। तो ये उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये उस संविधान को धीरे धीरे खत्म भी कर रहे हैं, मगर आपको पता नहीं लग पा रहा है कि संविधान को खत्म कैसे किया जा रहा है। आप एजुकेशन की बात कीजिए, एजुकेशन को प्राइवेट कर दिया है, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चे डीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं, और हमारे बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पर पढ़ाई नहीं होती है, खाना दिया जा रहा है, खाना पेट की राजनीति लड़ी जा रही है, कौन का पेट भर जाए काम हो जाएगा। एजुकेशन में उनको कहा जा रहा है कि इनको सब कुछ दो, फ्री में किताब दो, फ्री में खाना दो, मगर एजुकेशन मत दो। अरे विद्यालय किसी होते हैं स्कूल को एजुकेशन देने की होती है, उन्होंने एजुकेशन से रोकने का काम कर रहे हैं, ऐसे प्रोफेसर को रोकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर जो लोग होते हैं वो रिसर्च करते हैं, जब रिसर्च करते हैं तो उनको वहां से सच्चाई निकलती है और सच्चाई को समाज में बताने का काम करते हैं, तो सोचते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोफेसर को रोको, प्रोफेसर को रोको, टीचर को रोको, क्योंकि टीचर बच्चे का निर्माण करता है, तो उसको रोक दीजिए, क्योंकि पहले वाले टीचर तो है वो लोग जितने भी लोग क्रांतिकारी लोग हैं, यहाँ जीते ऊपर जितने लोग बैठे हुए हैं और इधर जितने लोग बैठे हैं सारे एजुकेटेड लोग। अरे मेरा गरीब आदमी तो शाम की रोटी कैसे जाता है? मेरा गरीब आदमी तो शाम की रोटी का इंतजार कर रहा है कि आज तो मेरा पेट भर गया, कल मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा, वो कैसे लड़ाई लड़ेगा। ये लड़ाई हमारे कदमों पर है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रिजर्वेशन क्या है, ये हमारी जिम्मेदारी है।
उसको मिलाए। जब मैं बाबा साहब भक्तम पेटे की किताबों का अध्ययन करता हूं तो उसमें क्या मिलता है कि समाज की संरचना कैसी होनी चाहिए, एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, तो उसमें बिल्कुल एक ये मिला, ये व्यक्ति को सबसे पहले समाज के विषय में सोचना चाहिए, समाज की उन्नति कैसे होगी, समाज में बदलाव कैसे आएगा, जो समाज का पिछड़ापन है कैसे दूर होगा, और जब इस बारे में सोच ले तो फिर अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, और जब परिवार के बारे में सोच ले तो फिर अपने बारे में सोचना चाहिए। हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है, पहले तो मैं अपने बारे में सोच रहा हूं कि मेरा कैसा होगा, फिर मैं अपने परिवार के विषय में सोचता हूं, और फिर समाज के विषय में सोचने का तो मेरे पास कोई समय ही नहीं। तो जो समाज में ऐसा होता है समाज कभी तरक्की नहीं कर पाता है, वो समाज हमेशा से वंचित रहता है चीजों के अधिकारों से वंचित रहता है। इसलिए अपने सोचने का तरीका चेंज करो, पहले समाज के विषय में सोचो कि समाज कैसे उन्नति होगी, समाज की समाज कैसे आगे बढ़ेगा, फिर समाज जब आगे बढ़ जाए तो मेरा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, जब मेरा परिवार आगे बढ़ जाए तो फिर मैं कैसे सही रहूंगा, तो कोई समाज को पीछे नहीं हटा। अभी हो क्या रहा है कि मैं आईएएस बन गया और मेरा बेटा आईएएस बन जाए, समाज पटरी पे अगर काम कर रहा है, अगर मेरी बहने दूसरों के घरों में जाकर खाना बना रही है, मेरे भाई अगर छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो वो ऐसे ही करते रहे, क्योंकि मेरा सम्मान तो पंडित जी और वो शर्मा जी वर्मा जी करते करते हैं। ऐसे बात नहीं बनने वाली है, काश बाबा साहब गौतम अम्बेडकर ऐसा सोच लेते, काश बाबा साहब गौतम अम्बेडकर ऐसा सोच लेते तो क्या ये काला नीला कोट होता मेरे जैसे, क्या ये टाई होती, क्या ये बढ़िया वाली वॉच होती, नहीं होती। अरे मेरे खानदान के वक्ति नहीं था, मेरे बाप दादाओं के वक्ति नहीं था कि मुझे ऐसे कपड़े पहना सके, अगर ये कपड़े पहनता हूँ तो बाबा साहब गौतम अम्बेडकर का शुक्रिया अदा करता हूँ, कि बाबा साहब गौतम अम्बेडकर अगर तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं हो तो मैं नहीं। फिर हमें सोचना पड़ेगा, दूसरे का सोचना पड़ेगा कि आपने मान लिया होगा कि जो हम है वो बाबा साहब गौतम अम्बेडकर की वजह से है। फिर मैं दूसरी जगह लेके जाना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर तुम मानते हो कि हम जो है हमारा दोस्त है वो बाबा साहब गौतम अम्बेडकर की वजह से है, तो क्या हमने बाबा साहब गौतम अम्बेडकर की बात मानी, क्या हमने बाबा साहब गौतम अम्बेडकर की बात मानी, कौन सी बात मानी जो बाबा साहब गौतम अम्बेडकर ने कहा कि देश के अंदर एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को परिवर्तन कर दो, उस व्यवस्था को परिवर्तन कर दो। क्या हमने व्यवस्था को परिवर्तित किया, क्या किया, अपने दिलों पे हाथ रख के बताओ, रखो अपने दिलों पे हाथ, और आज शाम को घर में जाना बाबा साहब गौतम अम्बेडकर की आंखों में आके डालकर बात करना कि बाबा साहब गौतम अम्बेडकर तुमने जो रास्ता दिखाया था तो उस रास्ते पर मैं सही रूप से सरकार में नहीं चला, तो आपको जवाब मिल जाएगा। एजुकेशन के विषय में भी कुछ लिखकर लेकर आया हूं कि एजुकेशन क्यों जरूरी है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। साथियों ये जो लोग हैं ये स्टडी करते हैं, ये आरएसएस है ना, जैसे देश की राजधानी दिल्ली है वैसे ही बीजेपी की राजधानी नागपुर के अंदर है, वो नागपुर के अंदर बैठे हुए लोग वो स्टडी करते रहते हैं कि देश के अंदर जो लोग दलित है, जो लोग शूद्र है, वो कैसे बने रहे, ऐसे ही उनकी स्थिति स्टेटस को बनी रहे, उनकी स्थिति में कोई डेवलप ना हो जाए। अरे आपकी नौकरी लगी, अच्छा प्लॉट ले लिया, बढ़िया की गाड़ी आ गई, बच्चों के चेहरे पे रौनक आ गई, तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मनु को तुम्हारा अच्छा होना अच्छा नहीं लगता, और वो कौन है, वो मनु के वंशज है, उनको कैसे अच्छा लगेगा बताइए आप लोग। तो आप अपनी लड़ाई को माइंड में रख लीजिए, तुम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, जैसे मेरे भाई ने बोला ये लड़ाई तलवारों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई गोलियों की लड़ाई नहीं है, मगर ये विचारधारा की लड़ाई है, और जिस इंसान की विचारधारा स्ट्रांग होती है वो हमेशा जीतता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो लोग राम राम करते हैं तो क्या बुरा करते हैं, बताइए आप लोग राम राम ना करें तो क्या करें, बोलो क्या करें, आप जय भीम नहीं करते तो उनका क्या कसूर है, आप जय भीम नहीं करते तो उनका क्या कसूर है, अगर वो अपने पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं तो उनका क्या कसूर है, आप भी उनके साथ करते हैं तो फिर सोचना पड़ेगा आप क्यों करते हैं, आपका रास्ता क्या है, ये विचारधारा है।
अगर विचारधारा को मिला दोगे आप लोग तो कभी आप लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। विचारधारा को अलग करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप सदाचार कौन है। अब सोचते हैं कि हमने विचारधारा को मिला दिया है, हमने विचारधारा को मिला दिया है। अरे हमें कभी कभी तो यही पता नहीं लगता कि हम उधर से खेल रहे हैं, इधर से खेल रहे हैं। हमें तो यही पता नहीं लगता, कभी कभी हम उनको गाली देते रहते हैं, ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं। अरे उम्मीद क्यों करते हो कि वो लोग तुम्हारा तुम्हारी निर्देशित करेंगे, वो क्या हम लोगों का उद्धार होगा? और 26 जनवरी 1950 को जिनके बच्चे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो राजनीति में भेजे अपने बच्चों को और बिजनेस में भेजे, और जो सोचते हैं कि हमारे बच्चे को दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है उनको वकील बना देगा, काम बन जाएगा आप लोगों का। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो योग्यता है लोहा मानते हैं ब्राह्मण भी, तुम क्यों अच्छे अच्छे एडवोकेट जो तुम्हारी वकालत करे देश के अंदर जा जाकर क्यों पैदा नहीं करना चाहते, क्यों मजदूर पैदा करना चाहते हो? मजदूरों से काम नहीं चलने वाला, मजदूरों से काम नहीं चलने वाला है। तो अपने माइंड में जो मेरी माता बेटी बहने बैठी हुई है वो सोच रहे हैं कि आपको ऐसे व्यक्ति को तैयार करना है कि जो समाज की वकालत करे, समाज को आगे बढ़ाने का काम करे। अरे छोटा सा जीवन है, मैं बार बार बोलता हूँ ये छोटा सा जीवन है, सबको यहाँ से जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, मुझको भी जाना पड़ेगा। और जो मौत से घबराते हैं उनको तो बड़ी पता नहीं कैसे जाना पड़ेगा, उनको कुछ पता नहीं कौन चल जाए, पता नहीं कौन निकल जाए। कि कहते हैं कि हम तो 1000 साल जिएंगे, वसुंधरा में बढ़िया सी कोठी बना ली, अब दूसरी जगह भी बढ़िया सी कोठी होनी चाहिए। बच्चे कितने हैं? बच्चा 1 है, कोठी 10 है, कोठी 10 है। अरे घर में 3 लोग है, गाड़ियां 6 है और बैंक बैलेंस का तो पता ही नहीं कितना है। अरे मेरे भाई ये बैंक बैलेंस को जरा समाज के लिए निकाल लो, समाज के लिए निकाल दो। वसुंधरा क्यों मुझे अच्छा लगता है, वसुंधरा में क्यों मैं बाल लगाना चाहता हूँ? ये लोग जिंदा लोग हैं, ये लोग समझते हैं कि समाज में काम करने की वैल्यू क्या होती है। ये लोग जगह जगह जा जाकर अपने पैसे इकट्ठा कर 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 अभी लाइब्रेरी में गए तो उत्तर प्रदेश के अंदर लाइब्रेरी का उदाहरण था, इन लोगों ने वहां पर इन्वेटर देने का काम किया, जगह जगह लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। अरे ये लोग पैसा खर्च करते हैं, इनको पता है कि अगर हम एजुकेटेड नहीं होते तो समाज में इतनी तरक्की नहीं ला पाती है। इसलिए आप लोगों की ड्यूटी बनती है, सब लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप अपने पैसे जो आपकी मेहनत की कमाई है उसमें से कुछ पैसा समाज के लिए निकाले, समाज की तरक्की के लिए निकाले, बात बन जाएगी साथियों। क्योंकि बिना पैसे से भी समाज चलने वाला नहीं, ये लड़ाई है, इस लड़ाई को समझना पड़ेगा आपको। आज अभी डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर धनलाल जी बैठे हुए हैं, शंभू जी बैठे हुए हैं कि आपको बताएंगे, मगर लड़ाई को हमें एक दायरे में लड़ना पड़ेगा। जब तक हम लड़ाई को सही रास्ते से नहीं लड़ेंगे हम लड़ाई को जीत नहीं सकते साथियों। लड़ाई हमारे माइंड में होनी चाहिए, लड़ाई हमारे माइंड में होनी चाहिए। हमारे माइंड में लड़ाई ही नहीं, हमारे माइंड में लड़ाई नहीं है, हमारे माइंड में वो चीजें हैं जो हमारे जीवन के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा जन्म तो सोशल जस्टिस के लिए हुआ, मुझे कोई काम आते ही कुछ काम नहीं आता मेरे पे, पर एक काम में मैं बहुत परफेक्ट हूँ, सोचा की लड़ाई लड़ने में मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं रक्त खाने के लिए तैयार हूँ, मैं बहुत सारे लोगों का काम, मैं उनसे परफेक्ट हूँ। मुझे डर नहीं लगता, मुझे नहीं लगता था कि जिंदगी, क्यों? क्योंकि मुझे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने मौत को समझ लिया है, मैंने मौत को समझ लिया है और मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने जीवन में उतार लिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ देश के अंदर ऐसे लोग बन जाए, देश के अंदर ऐसे लोग बन जाए। मैं ढूंढता रहता हूँ कि हमारे समाज में हमारी बहने और हमारे भाई दोनों को इंटेलिजेंट है उनको वकील बनाया जाए। अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि समाज में वकीलों की बहुत जरूरत है, वकीलों की बहुत जरूरत है। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर एक घर में एक एडवोकेट है और उसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आशीर्वाद है, उसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने जीवन में उतार लिया, उसकी फैमिली में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, उसके परिवार का कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अफसर तो यही है कि हम वकील तो बने
मगर पेट भरने के लिए वकील बने, सुबह 5 सुबह 10 बजे गए 5 बजे आ गए। ऐसे बात बनने वाली नहीं है साथियों, ऐसे बात बनने वाली नहीं है साथियों। अब मैं शिक्षा के ऊपर आना चाहता हूं, फिर मैं अपनी बात को रखूंगा, बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि और वक्ता है हमारे। शिक्षा क्यों जरूरी है और शिक्षा पर वार क्यों कर रहे हैं लोग? जो 34 डॉक्टर है वो शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा में जो शिक्षक है उनको वो रोकना चाहते हैं। वो क्यों रोकना चाहते हैं? वो एजुकेशन को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? वो आपके बच्चों को सब कुछ देने के लिए तैयार है, मगर एजुकेशन क्यों नहीं देने के लिए तैयार है? ये समझना पड़ेगा, शिक्षा को समझना पड़ेगा। और जिस इंसान ने अपने जीवन में शिक्षा को समझ लिया वो इंसान आजाद हो जाएगा। अब शिक्षा क्या है? किसी भी व्यक्ति की उन्नति के लिए शिक्षा परम आवश्यक होती है। बिना शिक्षा के अंधेरा अंधेरा होता है पूरे जीवन में। अगर प्रकाश लाना है तो शिक्षा को अपनाना पड़ेगा, चाहे वह नारी हो या पुरुष। शिक्षा सबको समान मिलनी चाहिए, जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक बात नहीं बनने वाली है साथियों। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो इतना कहते हैं कि नारी को ज्यादा शिक्षा दो, और कहते हैं शिक्षा किसी के बाप की बपौती नहीं है। जो एक ही बार शिक्षा बोलेगा, आप भी शिक्षा पर अपना अधिकार जमा लो, अपना अधिकार जमाने के बाद शिक्षा को आगे बढ़ा लो तो बात बन जाएगी। और क्या कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का समान अधिकार मिलना चाहिए। नारी शिक्षा पुरुष शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि नारी पारिवारिक व्यवस्था की धुरी है। नारी पारिवारिक व्यवस्था की धुरी है, नारी उसे नकारा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हम रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में नारी को सोचते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की चाहिए मेरे को, मेरे बेटा के लिए पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। और काम क्या करा रहे हो तुम? घर में रोटी बनवा रहे हो, घर में रोटी भी बनवा रहे हो। बाप अपनी बेटी को इतने बाहर नहीं जाने देता है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, किसी को लेकर ना भाग जाए। और पति के नहीं जाने दिया जाता है कि हाथ से निकल जाएगी, अरे मेरे भाई हाथ में चोट करते हैं। बहन कुमारी मायावती चाहकर मुख्यमंत्री बनेगा बनी ना, बहन कुमारी मायावती चाहकर मुख्यमंत्री। तो नारी को शक्ति दो, जब तक नारी को शक्ति नहीं दोगे, हमारी बहनों को तैयार नहीं करोगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। वो लोग तैयार है, उनकी नारी तैयार है, अरे हम तो खुद ही अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं, कैसे पढ़ाएंगे हम लोगों को? तो बाबा साहब आगे क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा से हम मानवीय अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा मानव की उन्नति का आधार है। आगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जिसे पीकर मनुष्य धारणा सीख जाता है। आगे कहते हैं कि कितनी ताकत, इतनी ताकत कलम में होती है, उतनी ताकत तलवार में भी नहीं होती है। और आगे कहते हैं कि उन्नति के लिए मैंने 3 सूत्र दिए, उन्नति के लिए मैंने 3 सूत्र दिए। पहला दिया शिक्षित बनो, दूसरा दिया संघर्ष करो, तीसरा दिया संगठित रहो। मगर मेरा पहला जो सूत्र है, पहला जो मंत्र है, शिक्षा बनो। जब तक तुम पहले मंत्र को नहीं लोगे, दूसरे मंत्र में मंत्रों में तुम कभी कामयाब नहीं होगे। इसलिए शिक्षा को पहले अपने पास रख लीजिए साथियों। पहला शिक्षा का हो गया, फिर दूसरे मंत्र में आप ध्यान देंगे कि कौन कौन से हैं। शिक्षा और ज्ञान मनुष्य का जीवन का आधार है। ज्ञान तलवार की तरह है, जबकि अज्ञान दुश्मन की तरह है। ज्ञान शिक्षा से मिलता है। अशिक्षित एक ऐसा महारोग है जिसका खामिया जाना मनुष्य को जीवन भर भुगतना पड़ता है। शिक्षा व्यक्ति अनपढ़ों को अपने अनुसार चला लेता है। जो शिक्षित इंसान होता है वो करोड़ों लोगों को अपने अकॉर्डिंग चला लेता है। जैसे बाबा है ना, बाबा होते हैं पढ़े लिखे बाबा है ना। अब इतने सोचे होते पढ़े लिखे बाबा नहीं है, बाबा व्यक्ति बन जाते हैं। बाबा ना पूरा कंपटीशन है बाबाओं में। ये जो हमारे IAS PGS है ना, उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। तभी तो लाखों की भीड़ अपने अंदर कर लेते हैं, लाखों की भीड़ और हमारी महिलाएं चली जाती हैं और लोग चले जाते हैं। तो एक पढ़ा इंसान हजारों लाखों लोगों को जो अशिक्षित होते हैं उन पर वो राज्य कर सकता है। बुद्ध ने कहा कि दुख जो है दुखों का मूल कारण है शिक्षा। बुद्ध ने कहा कि दुखों का जो कारण है, मूल जो कारण है वो शिक्षा है। इसलिए शिक्षा पर कब्जा कर लीजिए। मैं आगे आ जाता हूँ, जो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ज्योतिबा फुले ने कहा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति बिना वित्त गया। मगर
एजुकेशन के बिना सब कुछ चला जाता है। बुद्ध ने कहा, फिर साउथ अफ्रीका की हम बात कहेंगे, साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट हुए हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने कहा, शिक्षा दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार होता है जिससे सारी दुनिया को बदली जा सकती है। शिक्षा से सारी दुनिया बदली जा सकती है। आप अपने भारत के अंदर देख सकते हैं, भारत के अंदर जो गुलामी थी उस गुलामी को किसने किसने तोड़ा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा के माध्यम से तोड़ा। इसलिए अपनी शिक्षा पर मोहर दो। और यहाँ तक कि जो और भी जो हमारे विद्वान है उन्होंने कहा है कि अगर तुम जो रोटी खाते हो थाली को थाली नहीं दो, वो थाली नहीं दो, अगर शिक्षा दो अपने बच्चों को शिक्षा दो। मैं भी बार बार ये कहता हूँ कि आप छोटी मोटी झोपड़ी में रह लेना कोई बात नहीं, हमारे घर पे बहुत बड़े मकान नहीं थे मगर हमारे मम्मी और पिताजी ने हमें एजुकेशन देने का काम किया। ये सब लोग जानते हैं मेरे घर में जाता है वो गेट है, और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी उनके लिए पैदा हो रहे हैं, मेरे पैदा हो रहे हैं। और जो बनने नहीं है, और जो बनने नहीं है, तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन जब तक अपने समाज में नहीं दोगे तो उसके लिए भीमाद्रि भारत सेक्टर मिशन ने, तो भीमाद्रि भारत सेक्टर मिशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, दिल्ली में मैं प्रभारी हूँ, यहाँ पर जितने लोग आप लोग सपोर्ट करते हैं, हमने कोशिश की है कि देश के अंदर इंग्लिश मीडियम हम पाठशालाएं खोले, बच्चों को इंग्लिश की तरफ लेकर जाए, क्योंकि इंग्लिश बहुत जरूरी है। इंग्लिश बहुत जरूरी है। मैं कितना भी अच्छा बोलता हूँ, इंग्लिश ना बोलूं तो कहेंगे कि तुम पढ़ाई का नहीं है, और मेरे पास कोई भी डिग्री ना हो मैं बढ़िया इंग्लिश बोल रहा हूँ तो सोचेंगे लोग बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा पढ़ा लिखा है। उनकी महिला गाड़ी से उतरती है, कुत्ते से भी इंग्लिश में बात करती है, तो हमारे लोग कहते हैं अरे मैम साहब आ गई, मैम साहब आ गई, कुत्ते से भी इंग्लिश में बात करती है, तो हमारी महिला क्यों बात नहीं करती है? मैं चाहता हूँ, मेरा सपना है कि जो हमारी माँ गाँव में है चूल्हे पर रोटी बना रही है, अरे वो भी इंग्लिश में बात करे, वो भी इंग्लिश में बात करे, बदलाव आ जाएगा। ये बदलाव आप लोगों के बीच में नहीं मिलेगा, आप लोगों ने सोच लिया जैसे इन लोगों ने सोच रखा है, जैसे यहाँ की कमेटी के लोगों ने सोच रखा है कि हमें बदलाव लाना है, जगह जगह जाकर लोगों को बदलाव करना है, जगह जगह लोगों को तैयार करना है। तो जब ये मेरी माता बहन बैठे हुई है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, मेरी एक रुपए इस्तेमाल लीजिए कि अगर कोई तुम्हारे घर में से बच्चा बाहर ना निकले, तुम्हारा पति बाहर ना निकले, तो कम से कम उनसे कहना कि घर में जो बैठो बस समाज में जाओ काम करो, समाज में काम करो। जिस दिन आप करने लगे, जिस दिन आपने ये मोटिवेशन उनके अंदर कर दिया, मैं दावे से कह रहा हूँ कि ताकत आ जाएगी, ताकत, और उनको हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब लोग कहते रहता मत कि कितना कमा कर लेकर आए, वो तो मिल जाएगा, मगर ये हिसाब लो कि आज तुमने समाज के लिए क्या काम किया, ये आधे लोग तो इसलिए समाज में काम नहीं कर रहे क्योंकि घर में हिसाब देना पड़ता है कि आप दो घंटा लेट करते होंगे भैया, तो कैसे बात बन पाएगी, ऐसे बात नहीं बन पाएगी। साथियों, जो समिति है, ये यहाँ की जो समिति है, 2 तारीख के जो हमारा इंसिडेंट हुआ था, 2 तारीख को देश के अंदर बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, क्योंकि हमारे 11 बच्चों का शहीद हुए, 11 बच्चे हमारे, वो भी किसी के बच्चे थे, किसी के बेटा था, किसी का भाई था, तो उन लोगों की सहारा ने क्या किया कि एससीएसटी एक्ट का ऑर्डिनेंस लेकर आया, एससीएसटी एक्ट है देश के अंदर। तो जो यहाँ की कमेटी है, जो अमृत सिंह जी है, जो अजय कुंडलिया जी है, उनके जो साथी है रणवीर जी है, राणा साहब है, और जितने लोग हैं, उन लोगों ने उनकी जो मदद की है, उन लोगों को घर घर पर जाकर लोगों को तैयार किया था, उन लोगों के पिताजियों से मिले, तो यहाँ मदद करी उन लोगों ने, यहाँ पर उनके फादर आए थे, एक बेटा था अमरीश, 21 साल का बच्चा था, हाथ में झंडा था, मैं 2 मिनट में हाथ में झंडा था, बाबा था डॉक्टर अम्बेडकर का, 21 साल का बच्चा, गोली यहाँ पे लगी, सीने में गोली लगी, जब सीने में गोली लगी तो गिर गया बच्चा, मगर झंडा को नहीं छोड़ा, झंडा को नहीं छोड़ा। जब उसके फादर से मिले, उनके फादर सुरेश कुमार यहाँ पर आए, उनसे मिले, उन्होंने फाइनेंशियली मदद करी उनसे, जब उनके घर गए उन्होंने कहा कि वकील साहब 3 बच्चे हैं, एक के सीने में गोली लग गई, अगर 2 बच्चे भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के लिए कुर्बान हो जाए तो धन हो जाऊंगा, धन मानूंगा। ऐसे माँबाप चाहिए हमको, ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि कुर्बानी तो देनी पड़ती है, कुर्बानी तो देनी पड़ती है। अजय भाई कहते हैं कि एक बात मत कह दो, कहते हैं मुझे बेटा, मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैं सुबह निकलता हूँ घर से तो
तो मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि इंतजार मत करना, करता हूँ तेरी कथा में मैं कहता हूँ शाम को कहीं कब आओगे, मैंने इंतजार मत करना, आऊंगा भी नहीं आऊंगा पता नहीं। अब मैं मिशन के लिए निकला हूँ, अब मैं मौत से नहीं घबराता हूँ, क्योंकि मौत आने से पहले कई बार शमशान घाट हो जाए, शमशान हो जाए, इसलिए हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम मौत मौत से नहीं डरते, मौत हमसे डरती है। जैसे भगवान डरता है ना, भगवान डरता है, भगवान किसी से डरता ना डरता हो, पर यहाँ अम्बेडकर वादियों से डरता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं ऊपर से नीचे जैसे आया तो ये वकील साहब बैठे हैं, इतने मुकदमे डालेंगे, इतने मुकदमे डालेंगे, हिसाब नहीं दिया जाएगा, किसका काम नहीं देगा, जो बलात्कार हो रहे हैं उनका हिसाब नहीं दिया जाएगा, जो मर्डर हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनका भगवान का हिसाब नहीं दिया जाएगा, इसलिए ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर ही है, और वो अब एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं करता है, खत्म हो गया है, इसलिए रास्ता देकर जा रहा हूँ आप लोगों को, वो रास्ता है अम्बेडकर वाली रास्ता, अम्बेडकर वाली रास्ता अपना लो, सारे रास्ते फेल है, सारा मुक्त हो जाएगा, आपके बच्चे मुक्त हो जाएंगे, आपको आजादी मिल जाएगी, ये झूठी आजादी है, इसको छोड़ दो, अम्बेडकर वाद में चले जाओ, आपको दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। साथियों आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, कि नए नए बच्चों को, नए नए बच्चों को जो मौका दे रहे हैं, जो अभी दो बच्चे हैं यहाँ पर, एक तो मैडम है पीछे, और एक मैडम ये है, और एक अभी भाई कर गया, जो इन बच्चों को तुम तैयार कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बच्चों को तैयार कर रहे हो, क्योंकि यहाँ लाखों लोगों की जरूरत है, लाखों करोड़ लोगों की जरूरत है, जो गाँव की आप योजना तैयार करें, लड़ाई बाकी है। जय भीम, जय भारत, जय माता दी। साथियों एक देश के माध्यम से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, जलीलों की महफिल में कभी सराफत न मिलेगी, जलीलों की महफिल में कभी सराफत न मिलेगी, और गैरों से अपनों की मोहब्बत न मिलेगी, गैरों से मोहब्बत अपनों से मिलेगी, गैरों से अपनों की मोहब्बत न मिलेगी। वक्त है सियासी हवाओं का, वक्त है सियासी हवाओं का, कर लो समझा, क्योंकि भीख मांगने से कभी हुकूमत न मिलेगी, कभी हुकूमत न मिलेगी।